हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ आपका ट्यूटर ब्रिजेश। अब हम करने जा रहे हैं 11th सम एंड 12th सम। इस पर्टिकुलर वीडियो में दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 का 11th एंड 12th करने जा रहे हैं हम लोग। चलो देखते हैं किस तरह से करना है इस पर्टिकुलर सम को, 11th एंड 12th। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 2x+3 अपॉन x+3 विच इज इक्वल टू x+4 अपॉन x+2। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, 2x+3 और x+2 एक ब्रैकेट, और ये हो जाएगा x+4 एंड x+3 एक ब्रैकेट में। ठीक है, सो अपने को ऐसे केस में बहुत लोगों को डाउट आता है लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो देयरफॉर ये हो जाएगा आपका, अभी इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, थोड़ा सा मेरे ख्याल से फास्ट ही करेंगे तो ज्यादा बेटर है, या तो फिर चलो कर ही देता हूं मैं थोड़ा सा इजी तरीके से। ये हो जाएगा +3 इंटू x+2, दिस इज इक्वल टू x इंटू x+3 और +4 इंटू x+3। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 2x² + 4x + 3x + 6 इक्वल टू x² + 3x + 4x + 12। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, सबको लेफ्ट में लेने के पहले सारे लाइक टर्म्स ऐड कर दो। ये हो जाएगा 7x + 6 = x² + 7x + 12। ये 7x कट गया इससे, तो ये हो जाएगा आपका 2x² - x² और राइट साइड में ही हम लोग किसको लेके जाते हैं, 6 को लेके जाते हैं। तो ये हो जाएगा x² = 6। सो x² = 6 आ गया आपका, x² = 6। सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू व्हाट, +/√6। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, +/√6, या तो फिर एक रूट सिक्स आएगा और एक नेगेटिव रूट सिक्स आएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो अभी करते हैं ट्वेल्थ वाला, देखते हैं किस तरह से करना है। रूट ऑफ सिक्स x² - 4x - 2√6 इक्वल टू 0। सो अगेन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पे ऐसा करने पे एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्टली आंसर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला मेथड एक्चुअली बोला, मैं वही सोच रहा था फॉर्मूला मेथड बोला, लेकिन फॉर्मूला मेथड अप्लाई करने लायक बचा ही नहीं भाई, वो कट ही गया 7x में क्या। ठीक है, तो चलो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लगाते हैं अपन, ax² + bx + c = 0। सो देयरफॉर ए का वैल्यू हो जाएगा आपका √6, बी का वैल्यू हो जाएगा -4, सी का वैल्यू हो जाएगा -2√6। सो यहाँ पे आप निकालोगे b² - 4ac विच इज इक्वल टू -4² - 4 * a * c। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 16, प्लस करना पड़ेगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, देखो दोनों माइनस है, प्लस 4 * 8 √6 * √6 = 6। सो हो जाएगा 16 + 48 48 हो जाएगा 58 एंड ये 64। सो b² - 4ac = 64। सो रूट्स आर गिवन बाय, देयरफॉर रूट्स आर गिवन बाय x = -b + √(b² - 4ac) अपॉन 2a। सो देयरफॉर x = -b, दिस इज -4 + √64 अपॉन 2 * a। व्हाट इज a, a इज √6। ये हो जाएगा 4 + -8 = 64 अपॉन 2√6। ओ अपना नीचे √6 आ रहा है, √6 अपना आने जा रहा है, तो देखते हैं क्या वैल्यू आता है अपना। ये हो जाएगा x = या तो 4 + 8 / 2√6 आएगा, या तो फिर x = 4 - 8 / 2√6 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 12/2, तो ये हो जाएगा 6/√6। सो x = 6/√6 और x = -4/2√6। सो देयरफॉर x = √6 और x = -2/√6।
सो ये आपको फाइनल होगा. तो x इक्वल टू रूट सिक्स एंड x इक्वल टू माइनस टू अपॉन रूट सिक्स. समझ में आया आपको? सो रूट सिक्स एंड माइनस टू अपॉन रूट सिक्स आपका आंसर है ये पर्टिकुलर ट्वेल्थ सम का. ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम करेंगे, ये तो अपना ट्वेल्थ सम था, करेंगे हम लोग 13th एंड 14th सम अगले वीडियो में. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा के रखना ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे. थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग वंस अगेन, टेक केयर एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर. बाय बाय.